गुड मॉर्निंग। तो आज ना मैं आपको मेरे घर में जो समर वाले फूल खिले हैं वो दिखाने वाली हूँ। समर वाले फूलों में मेरे घर में क्या क्या है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे समर के फूल भी होते हैं। ये नेचर जो है ना हमेशा हमें मानव जाति को खुश रखने की जो कोशिश करता है, कोशिश क्या वो करता ही है, हमें खुश रखने रखता ही है। लेकिन उसमें फूल है जो समर में खिलेंगे और समर के लिए मैंने तैयार किए वो सब आपको दिखाती हूँ। पहले तो ले लूँगी मैं भगवान के लिए फूल। ये जासवंद क्या बोलते हैं उसको, ये ना हमेशा मेरे घर में खिली रहती है। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, लेकिन मेरे घर में शायद वो बेंगलोर का क्लाइमेट अच्छा होने के वजह से हमेशा खिली रहती है। साथ में ये ऑफिस प्लांट बहुत कलर कलर में है, अभी तो इसको अभी खिला नहीं है बहुत सारा। और साथ में इधर एक कलर है मेरे घर में गुलदावरी का। और इधर सारे जो गुलाब से कलिया से भरा हुआ है। फिर इधर गुलाब खिले हुए हैं वो दिखाती हूँ। कोई भी झेंडू हो, छोटा बड़ा, ये हजार गेंदा है, ये वाला हमेशा खिलता रहता है। ये इसको कोई सीज़न होता नहीं है, और समर में ये खास करके बहुत सारे फूल दे देता है। और साथ ही में यहाँ जो बीज लगाए हैं, आपको उसके फूल दिखाती हूँ एक मिनट। इसके जो फूल होते हैं ना ऐसे छोटे छोटे पीले पीले होते हैं, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके ऐसे छोटे छोटे पीले फूल होते हैं। तो ये वाला लगाया है, और जैसे कि आपको बोला गुलदावरी, ये बहुत सारी गुलदावरी नहीं क्या बोलते हैं उसको, बालसम को ना बहुत सारे कलर्स है मेरे पास, तो ये वाले हैं वो सब कलर्स। इधर सुपारी के पौधे हैं, यहाँ कैलेंडुला के दो कलर्स में अवेलेबल है, जो कि इधर वाला केसरी कलर का है और इधर वाला है जो पीले कलर का। फिर इधर भी मैंने पीले कलर का लगाया है। फिर आता है ये वाला अबोली बोलते हैं इसको। अबोली तो खास करके समर का ही फूल है, और जैसे कि मैंने कहा सदाबहार, तो हमेशा नाम के जैसे सदा बहरता ही रहता है, तो वो वाला भी है मेरे पास। साथ ही में जो इस तरह के जो पौधे होते हैं दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे क्या कैलेंडुला लगा के रखा है, जो बीजों से तैयार किया हुआ है। चलिए तो आगे जैसे जाएंगे, यहाँ तो मेरी पूरी नर्सरी तैयार हो रही है। जैसे जैसे मैंने बीज लगाए हैं वैसे वैसे इधर अभी आने रहे हैं, तो वो तो अभी नीट से दिखेगा नहीं। ये है जिरेनियम, जिरेनियम के भी बहुत सुंदर से कलर आते हैं और जो कटिंग से लगते हैं, तो वो भी है मेरे पास। यहाँ भी लगा के रखा है, और देखिए ये गलती से कहीं से कैलेंडुला आ गया है, तो वो भी मैंने वैसे ही रखा है। शेवंती तो अभी गई है, इसमें नहीं है, अभी आएगी, लेकिन मैंने इसके कटिंग से देखे इतने सारे शेवंती को तैयार किया है जो आने वाले दिनों में मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो मेरे समर में खिलेंगे और समर में मेरी बगिया की जो ब्यूटी है और बढ़ाएंगे, तो उसमें एडेनियम को अभी अभी ग्रो किया है। और चलिए यही आपसे मुझसे बातें करनी थी कि मेरे घर में समर में कौन कौन से फूल खिले हैं।
तो फिर आपसे ऐसे ही बात करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।